तो देशहित की शुरुआत कर रहे हैं आज के पांच बड़े सवालों के साथ। जी न्यूज ने आपको कांग्रेस की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का सच दिखाया और कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज कर दिया था। पाकिस्तान जिंदाबाद पर पूरी तरह से गिर चुकी है कांग्रेस। बीजेपी बोली चोरी के बाद सीना जोरी कर रही है पार्टी। देशहित में बड़ा सवाल यह है कि मीडिया पर इमरजेंसी लगाकर चुनाव के बीच अब क्या फंस गई है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बड़ी खबर ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के बिचौलिए मिशेल के भारत आने के साथ ही एक परिवार की परेशानी पड़ गई है। मिशेल की पैरवी करने के लिए कांग्रेस से जुड़े तीन सदस्य अदालत पहुंच गए। सवाल घोटाले की बिचौलियों को आखिर क्यों मचा दिया कांग्रेस। बड़ा सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के क्रिश्चियन कनेक्शन पर क्या 2019 में महाभारत होगा। अलकायदा आतंकवादी मूसा पंजाब में छिपा हुआ है और बचने के लिए लगातार भेष बदल रहा है। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए मूसा ने दरअसल अपनी ही कब्र खोद ली है। बड़ा सवाल खालिस्तानी प्लान नहीं, मूसा को उसकी मौत ने बुलाया है क्या। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को रेड सिग्नल दिखाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर हमला करने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। देशहित में सबसे अहम बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के सियासी अश्वमेध से क्या डर गई ममता। और उधर अमेरिका और रूस की लड़ाई ने एक बार फिर से दुनिया को खतरे में डाल दिया है। रूस अमेरिका में मिसाइल डील टूटी, दोनों बनाएंगे विनाश के हथियार। दो सुपरवार दुनिया मिटाने वाले कितने बम बनाएंगे, ये देशहित में आज बड़ा सवाल।